जी भाई जी सत श्री अकाल अदा नमस्ते सारे दोस्तों मित्रों भाई जी अज की वीडियो जोड़े तुम कबूतर पुटने ने ठीक है जी गर्मियों के वोद वास्ते जी तुम पहल तो कबूतर की वीर जी डी वर्म करनी है ठीक है जी कीड़े क्डने अलवेंडा जो एल्बो मार दी ठीक है जी ये तुसी एक ढक्कन फर्ज करो तुसी 70 ml पानी एक ढक्कन पाना जी आ 10 ml एक कबूतर देना ठीक है जी ते नाल तुसी पाउनी है भाई जी ये बिचे हाईटेक ठीक है जी 250 ml ये पा लियो बिचे ते जिहड़ी दवाई देने तों पहलां तुसी की करना 5 दिन पहलां रोज Lif-52 ठीक है भाई जी वो देनी है तुसी एक ढक्कन 1 लीटर पानी बिच पा के 5 दिन लगातार फिर तुसी दवाई देनी है ठीक है जी दवाई तुसी कोई भी ले सकते हो भाई आ चाहे पेपराजीन ले लो ठीक है जी चाहे डोंटर प्लस ले लो वो बाकी भी दोस्तों ने अपने पाइया ने होर वीडियो यूट्यूब पर वो देख सकते हो ठीक है जी जे फंग खिंचण तो पहला पानी 5 दिन Lif-52 फिर जो दवाई तुसी देती दवाई जिदन देनी है उदन तुसी कबूतरां नूं 1 दिन पहला भुखे रखना भीर जी फिर दवाई देनी है धुप्पां जरूर लवानी है लाजमी दवाई दे के 4-5 घंटे ठीक है जी फिर उस तों बाद 5 दिन फिर लगातार देनी है दवाई देने तों बाद Lif-52 ठीक है जी ते नाल तुसी कर देनी है स्टार्ट आह जी विमिनर मल्टी विटामिन जो कबूतर तुसी डीवर्म करते नाल दी नाल ये दई जाए ठीक है 4-5 दिन जो इदों बाद तुसी दवाई देने तों 10 दिन बाद तुसी कबूतरां दे फर पुट देने आ खिच देने ने फर किदां खिचणा उह वी मैं तुहानूं दस दिंदा जदों फर खिचते ठीक है भाई जी जिद्दां तुसी अज फर्ज करो अज खिचणे आ फर तां तुसी सवेरे कबूतर नूं अपने एबो ग्लासिक सीरप मिल जाता बच्चे वाला बुखार दर्द का ठीक है जी मेडिकल स्टोर तो वह तुसी एक ढक्कन 1 कुंडे पानी च 1 लीटर च मिक्स करके सवेरे दे देना वा ठीक है जी दाने खिलाने तो बाद शाम को तुसी कबूतर पुट देने पुटने किवें वह भी मैं तुहानूं दस दिंदा ठीक है भाई जी तो विमरल तुसी चालू रखनी जां तुसी कबूतर पुटते 4-5 दिन लगातार दो Lif-52 ते विमरल ठीक है जी हाँ जी भाई जिदा बच्चा वा ये आह फर नवे आए ये तुसी पट्टने नहीं गए ठीक है जी जे तुसी पुट्टने तो पहला तुसी बकलां दे जिद्दा तो पहली करी शुरू हुंदी आ हाथ थल्ले फर पट देने ठीक है जी तो इधरों भी पट देने भाई जी हाथ थल्ले आ ठीक है जी जदों ये थोड़े थोड़े बाहर आ गए गुले निकले आए तो तुसी उपरले फर पट देने भाई आ कट्ठे नहीं जानी पट्टने ठीक है वीर जी आह पट देने तो पूंछ पट देनी है ठीक है जी जिहड़े उपरले उपरले आ छोटे फर ने जिदा आह ने छोटिया परियां कहिंदिआं नूं ये भी तुसी पट्टनियां नहीं नाल दी नाल कच्छां दी पट सकदे हो नाल ठीक है जी तो जदों पट्टते फर तुसी एक सीर पाउंदा बई जी आयरन दा किसी मैडिकल स्टोर तों लै लिओ वह तुसी एक ढक्कन 1 कुंडे विच पाउणा बई जी ठीक है जी पाउणा तुसी डेली पा सकदे हो तो 4-5 दिन पा के लगातार फिर बंद करके 3-4 दिन फिर 4-5 दिन लगातार पाओ ठीक है जी तो नाल जो आप कबूतर पट्टते जी पट्टण तो बाद फिर आप मिक्स दाणा पा सकते जिदा हा भाई सुकाउणा तुसी दूर लिया के जो तुसी दुकान तो भी कितने भी लियांदा ना बाजार चो दाणा तो सुकाउणा वा सुका के उन्हूं धो के चंगी तरह फिर पाउणा जी आ दाल आ भाई मूंगी दी ते छोलियां दी ठीक है जी आ इधर तारा मीरा पिया भीरे ये भी पा सकते हो तुसी अद्धी की मुट्ठी पा लिया करो हफ्ते एक बार या 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद पा लिया करो ठीक है भाई जी तुसी इस करना की आ तां मैं हजे छोले ते मूंगी हुई आ तुसी लैनी आ 50% भाई जी सरों वो भी धो लेनी है लिया के ठीक है जी ते 30% लैनी है तुसी कणक ठीक है भाई जी
10% ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਚਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਤਨੀ ਚਨੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪੱਟਦੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਦਾਮ ਦੀ ਪੀਸ ਕੇ ਮਗਜ ਮੂਜ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟਣੇ ਆ ਬਾਈ ਉਹੀ ਉੱਡਣੇ ਆ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜੇ ਜੂਨ 'ਚ ਉਡਾਉਣੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਪੱਟ ਲਿਓ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਖੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ